एक बार की बात है, एक लोमड़ी और एक सारस बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन सारस ने लोमड़ी को रात के खाने के लिए अपने घर बुलाया। लोमड़ी बुलावे के बारे में उत्सुक होकर सोचने लगी कि वह एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेगी। जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची, उसने देखा कि खाना एक पतले गल वाले जार में सर्व किया गया था। लोमड़ी जार में मौजूद खाने को अपनी जीभ से नहीं चाट सकती थी। वह वहीं बेकार बैठी रही, जबकि सारस आसानी से जार में अपनी लंबी गर्दन और चोंच डालकर भोजन का आनंद ले रहा था। खाने के बाद सारस ने लोमड़ी से पूछा, उसे भोजन कैसा लगा? लोमड़ी अपनी निराशा और क्रोध को छिपाते हुए मुस्कान देते हुए बोली, ओह, यह सचमुच एक शानदार भोजन था। अगले दिन लोमड़ी ने फैसला किया कि वह सारस को रात के खाने के लिए अपने घर बुलाएगी। सारस ने आमंत्रण स्वीकार किया, सोचते हुए कि वह एक महान भोजन का आनंद लेगा। जब सारस आया, लोमड़ी ने उसे प्याले में सूप सर्व किया। सारस को प्लेट में सूप कैसे खाना है, उसे कुछ पता नहीं था। जबकि लोमड़ी त्वरित रूप से सूप चाट गई, सारस वहीं बेकार बैठा रहा, सूप खाने का आनंद नहीं ले पा रहा था। खाना खाने के बाद लोमड़ी ने सारस से पूछा, उसे भोजन कैसा लगा? सारस ने निराशा दिखाने के इरादे से कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा था, मुझे सचमुच इसका आनंद आया। इस तरह लोमड़ी और सारस दोनों ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि आप खुद के साथ करना चाहेंगे।